जोर लगा के अब तो पेट अंदर कर गए ले बाबू। आराम से भाई बात। बस तू सुबह सुबह उठा दिए, बहुत भारी हौ। 75 years later. दोस्तों ये वीडियो उन नशीली गंजेड़ियों के लिए है जो पान मसाला खाकर सड़क पर थूक कर सड़क खराब करते हैं और साथ में अपना शरीर भी, और वो अब अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। तो भाई लोग आज से ही नशे में लगाए जाने वाले पैसे से ये खरीद के खाएं। अरे इतना बात कैसे बना लेते हो, प्रोटीन खाने से मसल और हेल्थ सही होता है। प्रोटीन खाने से तुम्हारा दिमाग कब से उबाल मारना शुरू कर दिया, जो इतना ज्ञान फेंके जा रहे हो। बैक बेंच एग्जाम से 2 घंटा पहले टॉपर से एडवाइस लेते हैं, एक्टर मूवी के पहले सीन में विलन से पिटाई खाते हैं, इलेक्शन से पहले नेता लोगों से वादा करते हैं, ये जिम ट्रेनर थोड़े से व्यू और लाइक के लिए जिम ज्वाइन करने वाले लोगों के साथ वीडियो बना के बाकी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आजकल लोगों की दो ही सबसे बड़ी समस्या है, पहला बाल झड़ना और दूसरा मोटे हो जाने के साथ पेट निकल जाना। ये कारनामे इस तरह से देखा नहीं जाता। अब बस मुझे कोई एलियन दिखा दो, देखकर कुछ नहीं तो दिमाग को शांति तो मिलेगा। क्या आपका भी बॉडी पोस्चर इनकी तरह झुका हुआ है और आप बुड्ढों की तरह और चोरों की तरह झुककर चलते हैं और इसकी वजह से आपको हमेशा डिमोटिवेटेड फील होता है, तो आज से ये भाई ने जो चोर के साथ कंपेयर करके मोटिवेट करने की कोशिश करी है, लगता है अब जिम ट्रेनर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मेरा मतलब जिम जाके फुर्सत से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये भाई पार्क में वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब अपलोड करते हैं और रील पे प्रमोट करते हैं और रोस्ट होने के लिए नेक्स्ट लेवल का वीडियो बनाते हैं। ये बॉडी बिल्डर वाले भैया रील पे वीडियो फैलाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो फैलाते हैं और पार्क में गंद फैलाते हैं, तो इनके पास चले मत जाना। पतला होगा तो मोटा कर देंगे, मोटा होगा तो पतला कर देंगे, अगर बॉडी सही निकला तो खेल कर देंगे। क्या आपका भी बम इनकी तरह अंदर है और आप भी जींस पहनते तो आपकी भी जींस इनकी तरह सरक आती है और इसकी वजह से आपको अपना बेल्ट टाइट बांधना पड़ता है, तो आपको अपने बम को बाहर निकालना है और एक अच्छा शेप देना है, तो करिए 3 आसान एक्सरसाइज। क्या आपको नोरा फतेही बनना है, डायरेक्ट ही क्यों नहीं बोल देते। इसी डर के वजह से जिम में मन में करता हूँ, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं जिम में जाकर करूँगा। पेट ऐसे बाहर निकल आया है, अगर कोई दूर से देख रहा होगा तो पहले मेरा पेट दिखाई देगा बाद में फेस। ये जिम ट्रेनर को बोलना भी है, दिखाना भी है, साथ में रिकॉर्ड करके रील भी बनाना है। ये सब कब बंद करोगे, मैं ऑलरेडी शीशे में चेहरे के अलावा कुछ नहीं देखता, अगर गलती से बॉडी देख लिया तो दिन भर के लिए डिप्रेशन में चला जाऊंगा। अरे MSD के 76वें फैन, ऑलरेडी ऊपर कपड़ा नहीं है, नीचे का भी उतरना चाह रहे हो क्या? कमेंट सेक्शन को इंटरेस्टिंग, वीडियो को क्रिंज बनाना है क्या? क्या भैया आप मेरे हेल्प करोगे? क्या क्या मुझे ऐसी एक्सरसाइज बताओ कि मेरी हाइट भी ना रुके और मेरी बॉडी भी फिट रहे। तो आप लोग भी स्कूल जाते हो, आप लोग भी ऐसा सोचते हो कि अरे रोड पे, सड़क पे, पार्क में घूमने फिरने और टहलने वाले ट्रेनर, जिधर से सवाल आए जवाब उधर देना चाहिए। ये वाला एक्सरसाइज करना भूल गए थे क्या? देखा नजर और कान खराब होने का नतीजा। क्या आप भी इंस्टाग्राम खोलते हैं तो ऐसे वीडियो आते हैं, ऐसे वीडियो देखे आप तंग हो चुके हुए हैं। तो कुल मिला के आपको 3 स्टेप करना है। पहला, बेहतर और सुंदर वाला कमेंट करना है जिसे दिल में शांति और चेहरे पे खुशी आए। दूसरा, अनफॉलो करना है। और तीसरा, ऐसे वीडियो को मेरे साथ शेयर करना है। क्या आपकी भी हाइट 6 फीट से ऊपर है और आप दिखने में पतले दुबले हैं और आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो बॉडी तो नहीं सिर्फ पसलियां दिखाई देती हैं और आपको कोई टच करता है तो खटखट की आवाज आती है, तो आपके दुबलेपन की वजह से आपके दोस्त आपका मजाक बनाते हैं, तो आज से परेशान होना बंद करें, अपने खटखट की आवाज को बम बम की आवाज में बदले। ये खटखट की आवाज को बम बम की आवाज में बदलते हैं, अच्छी बात है, सुंदर बात है, खूबसूरत बात है और फिर से अच्छी बात है। कैरियर और बॉडी बनाने में समय लगता है और समय को ऐसी के तैसी करने का काम आलस और गहरा नींद करता है। ये है सोशल मीडिया पे सो कॉल बॉडी बिल्डर जनरेट करने वाले, जो बाइसेप और सिक्स पैक के बारे में बताने और दिखाने के अलावा सारे सेप बेहतर तरीके से बताते हैं और दिखाते रहते हैं। ठंड आते ही गली मोहल्ले में एक के बाद एक जिम खुलने लगे हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, अब बनाकर आते हैं रील। भाइयों, जिन जिन लोगों का इनकी तरह गोल पेट बाहर निकला हुआ है और वो लोग पूछते हैं क्या हम पेट को जल्दी अंदर करने, ये फिटनेस बॉडी बिल्डर वाले भैया नहीं, कटोरे जैसे पेट को छू मंदर करने वाले भैया है। तो सबके सब कॉपी पे लिखने के लिए पेंसिल हाथ में रख ले, आज जानने वाले हैं ऐसे तमाम एक्सरसाइज के बारे में जिससे कटोरा गायब हो जाएगा। कॉपी पे लिखने के तुरंत बाद इरेजर से छू मंत्र करके मिटा देना, क्योंकि किसी को एक्सरसाइज करना ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ 7-day चैलेंज। अगर आपका भी इनकी तरह पेट ढोलक जैसे निकला हुआ है और पूरा वजन बढ़ा हुआ है, तो आज से ही 7 दिन तक ये एक्सरसाइज फॉलो करें और अपना 2 किलो वजन
कम करें। पहला है फास्ट फूड, इसके आपको कर ऐसा करता हूँ वो पेट आपको भी ट्रांसफर करवा देता हूँ। इतना भी प्यार से सब कुछ सही सही दिखाना और बोलना नहीं होता है। ऐसा करो और जूम करके क्यों नहीं दिखा देते? इंस्टाग्राम के ऑडियंस ये सब कभी नहीं देखे होंगे क्या? पेट अंदर करने का रूटीन बता रहे हो या स्कूल में क्लास अटेंड करने का रूटीन? कौन सा दिन कौन से सब्जेक्ट का बुक लेकर जाना है? अगर पेट अंदर करने के लिए ये सब फॉलो करना होता है तो फिर रहने दो, मैं अपना पेट खुद अंदर कर लूंगा। आप लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए सुबह उठो, अपना नींद मेरे लिए सैक्रिफाई करो। आप देख सकते हैं 8-9 साल की उम्र में इनका ये हाल है, जिसको आप गोलू मोलू बोल के हंसी मजाक में टाल देते और ध्यान नहीं देते। कोई इस कैमरामैन को क्यों नहीं बता रहा? कैमरा कोई डंबल नहीं है जो आगे पीछे ऊपर नीचे किए जा रहे हो। ये जो हरकतें कर रहे हो इसमें थोड़ा ही नहीं पूरा सुधार करने की सख्त जरूरत है, नहीं तो ट्रोल होने के लिए तैयार रहना। इस सोशल मीडिया से बनी दुनिया आगे बढ़ाने के साथ रिवर्स गियर जब लगाती है सब याद दिला जाती है। मैं रिपीट करके अपने वीडियो में दिखा नहीं पा रहा और ये लोग पूरा रील टू पे लॉन्ग वीडियो बना रखे हैं। ये सब करना बंद कर दे भाई। अगर मैं इसका ओनर होता तो सारा का सारा खुजली सोशल मीडिया पे दिखाना बंद कर देता। इस तरह से टच करके कौन शो करता है? क्या आपकी भी जोड़ी है मोटू पतलू की तरह? पतलू फुर्तीला है चीते की तरह और मोटू भारी भरकम है गेंडे की तरह। ये कैसी समस्या है? पेट नहीं निकला तो घर वाले अनफिट बोलते हैं, पेट निकल गया तो जिम वाले अनफिट बोलते हैं। इस ठंड में सुबह उठा नहीं जाता, जिम न जाके पेट बाहर आ जाता, उसके बाद दिन भर रिग्रेट रह जाता, फिर कल सुबह उठने का टेंशन हो जाता, रात में नींद जल्दी चला आता और सुबह जाने का नाम नहीं लेता। मैं बताऊँ तो पढ़ाई को लेके कैरियर को लेके मोटिवेशन देना आसान है, पर जिम जाने को लेकर बॉडी फिट रखने को लेकर मोटिवेशन देना और खुद को उस मोटिवेशन के साथ बनाए रखना ये बहुत मुश्किल है। तो चलिए यार, वीडियो जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पे नो सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।